नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे, जो शुक्र का चेंज हो रहा है, 3 नंबर जेमिनाई में जा रहा है, तो उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में राउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है 2nd of June संडे, और वीडियो ठीक 8 दिन बाद अपलोड होगी, 10th of June मंडे को। और शुक्र का चेंज है, मैंने अपने कल की वीडियो में बताया था, 12 जून को 7 जुलाई तक चलेगा, 25 दिन का चेंज है। और ये इंडिया की कुंडली है, आज तक के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कल हमने बनाई थी एरिस मेष से लेकर वर्गो कन्या तक, आज हम बनाएंगे 7 लिब्रा से लेकर तुला तक, लिब्रा तुला से लेकर पाइसिस मीन तक, और एंड में रेमिडीज भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कल ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, और हमारी जो प्रेडिक्शंस होती है लगन से होती है। फर्स्ट हाउस, अपनी कुंडली खोलिए, बर्थ चार्ट खोलिए, और ये फर्स्ट हाउस होता है, देखिए यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, 9 लिखा था सजिटेरियस है, 11 लिखा था एक्वेरियस है, उसी से हमारी प्रेडिक्शन मैच कीजिए। हमारी प्रेडिक्शन लगन से होती है, मून साइन से नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं सीधा, 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? शुक्र की दूसरी राशि। हाँ, दूसरी राशि दोस्तों, लिब्रा की बात करके देखें दोस्तों, ना सिर्फ दोस्तों शुक्र की दूसरी राशि है, इनफैक्ट दोस्तों शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। दोस्तों हर ग्रह की दो राशियां होती है, चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर दोस्तों सबकी दो दो राशियां हैं। दोस्तों एक राशि दोस्तों जो होगी, जो स्ट्रांग राशि होती है दोस्तों, होती है मूल त्रिकोण राशि। तो वो अगर कुंडली में मूल त्रिकोण राशि आपकी स्ट्रांग है, उसमें कोई प्लैनेट दोस्तों लैंड करता तो आपको ज्यादा फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू जो आपकी दूसरी राशि होती है। अब दूसरे से मंगल की मेष राशि जो होगी दोस्तों, उसके मूल त्रिकोण राशि है, और वृश्चिक राशि दोस्तों उसके नॉर्मल राशि है। तो इस तरह दोस्तों हर ग्रह की दो राशियां होती हैं, एक मूल त्रिकोण राशि, एक नॉन मूल त्रिकोण राशि। अब दोस्तों लिब्रा वालों के लिए मैं आपको क्या बताऊं, इतना सुंदर दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन चुका है, इतना सुंदर दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन चुका है कि दोस्तों जिस कॉम्बिनेशन का लोग वेट करते हैं कि हमारी कुंडली में कॉम्बिनेशन बने या नेटल चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन हो, दोस्तों कॉम्बिनेशन बड़े भाग्य वाले लोगों को ही मिलता है। अब दोस्तों क्या है कि अगर हम बात करें तुला की, तो तुला में शुक्र बन गया आपका अपना लॉर्ड, अपना रिप्रेजेंटेटिव, आपका फिजिकल लॉर्ड दोस्तों, तो उसकी लैंडिंग होगी आपका 9th हाउस, क्योंकि तुला लगन के अंदर दोस्तों 9th हाउस बनता है मिथुन राशि। तो सेल्फ का लॉर्ड 9th हाउस के अंदर दोस्तों, इससे बड़ा दोस्तों कनेक्शन नहीं होता, इससे बड़ा दोस्तों किस्मत नहीं होती, बिकॉज ये हो गया आपका सेल्फ, और 9th हाउस हो गया आपका भाग्य दोस्तों, हो गया आपका कहने की ब्लेसिंग, आपका प्रीवियस बर्थ से कर्म, आपके कार्मिक डेट, आपके पिता चुले व्यक्ति दोस्तों, आपका कुलदेवी, आपकी आपका मंदिर दोस्तों, आपका आपका गुरुद्वारा, मंदिर, धर्म, शांत करी। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है कि सेल्फ जब भी दोस्तों 9th हाउस में लैंड करेगा दोस्तों, आपको बहुत बड़े आशीर्वाद मिल जाते हैं, आपको दोस्तों किस्मत आपकी परवान चढ़ जाती है, दोस्तों आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत बड़ा दोस्तों कॉम्बिनेशन है वाला। और 2 दिन बाद दोस्तों 14 तारीख को जब बुध भी दोस्तों यहाँ पे मूव कर लेगा दोस्तों, जो हमने यहाँ लिखो 14 दोस्तों बुध भी यहाँ पे आ जाएगा, और दोस्तों 14 तारीख को यहाँ पे सूर्य भी आ जाएगा, पूरे दोस्तों आपके इनकम का लॉर्ड बन गया, बुध दोस्तों 9th का ही लॉर्ड है। तो दोस्तों वहां से जो आपने जो कोई बेनिफिट मिलेगा, वहां से आपकी लाइफ रॉकेट बन सकती है। वो दोस्तों हम बात करें शेयर मार्केट की, बात करें म्यूचुअल फंड की, बात करें इन्वेस्टमेंट की, बात करें रियल एस्टेट की, बात करें आपके ओवरऑल बिजनेस की, बात करके देखें ट्रैवलिंग की, बात करके देखें आप ट्रैवलिंग ब्लॉगर हो दोस्तों, ट्रैवल ब्लॉगर हो, फूड ब्लॉगर अगर आप हो, मतलब कुछ भी अगर आप है दोस्तों, आप मतलब ट्रैवलिंग में दोस्तों, जैसे आप यूट्यूब अगर आप देखेंगे कितने लोग दोस्तों ट्रेन इंटर रेलवे के साथ उठ पर ब्लॉगिंग करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों। पिता तुले व्यक्ति या पिता से आपको काफी सपोर्ट मिल सकते हैं यहाँ पे, काफी आशीर्वाद यहाँ मिल सकते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग दोस्तों आपका 9th हाउस, जिसका इम्पैक्ट आपके 3rd हाउस पर जाएगा दोस्तों, आपके सिबलिंग के साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों ये चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर बनने वाली है यहाँ पे। तो तुला के लिए दोस्तों, शुक्र वालों के लिए दोस्तों, कल हमने वृषभ की बात की थी, उनके दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, उसी इक्विवेलेंट दोस्तों या उससे ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों इस बार तुला वालों की किस्मत में आ चुके हैं। तो बहुत बड़ा दोस्तों कॉम्बिनेशन, इसका हम लोगों ने बेनिफिट लेके चल रहे हैं, और खासकर वो सभी लोग जो मीडिया में है, मूवीज के अंदर, OTT के अंदर है, उनके लिए तो बिल्कुल एक अलग तरह का लेवल बन जाएगा यहाँ पे। चलिए, मतलब लिब्रा तुला वालों को लेके तो डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले, बिल्कुल कोई शक नहीं है। चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, मंगल की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करने अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक। दोस्तों वृश्चिक की बात करके देखें, मतलब वृश्चिक में सूर्य बनता है, मतलब शुक्र बनता है 7th मार्केश,
ट्वेल्थ नेगेटिव, दोस्तों ट्वेल्थ का लॉर्ड एट हाउस में आना यानी कि नेगेटिव का लॉर्ड इन नेगेटिव हाउस दोस्तों बिकम एक्सट्रीमली पॉजिटिव यानी कि विपरीत राजयोग की जागृति होना। दोस्तों मर्क्यूरी का यहाँ पे ज्वाइन कर लेना अपने ही साइड में एक और विपरीत राजयोग, जो सूर्य का यहाँ पे आ जाना और ज्यादा पावर मिल जाती है। तो दोस्तों वृश्चिक लग्न वाले तो वैसे अपने लाइफ के हम लोग बात कर रहे हैं, अपने रिसेंट टाइम के सबसे अच्छे टाइम से निकल के चल रहे हैं, तो ये वृश्चिक लग्न की जो ये वाला जो चेंज होगा दोस्तों इस पॉजिटिविटी को और ज्यादा बढ़ा के चलेगा। और दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे सेवंथ हाउस बनते हैं शुक्र का यानी कि आपके वाइफ का, तो दोस्तों उसका सेकंड हाउस एट्थ हाउस में आ जाना यानी कि अपने सेकंड हाउस में आ जाना, तो दोस्तों वाइफ की वेल्थ में इंक्रीमेंट होती है। आपको हो सकता है वाइफ के साइड से कुछ सपोर्ट मिले वहां पे, या वाइफ की खुद की इनकम बढ़ जाए, या वाइफ को दोस्तों कुछ इंश्योरेंस आपने ड्यू करा, इंश्योरेंस चल रही थी वो ड्यू हो गई, मतलब इंश्योरेंस का पैसा ड्यू हो गया वो पैसा वापस आ जाए आपके पास, तो कुछ भी जो आपके वाइफ या आपके पार्टनर के साइड से आपको बेनिफिट मिलकर चलता है, तो उससे बिग बिग चेंज उस फ्रंट पे। दोस्तों ट्वेल्थ हाउस हो गया आपका फॉरन का, ट्रेवलिंग का, आपके लग्जरी का, प्लेजर का, और दोस्तों एट्थ हाउस हो गया आपके हिडन इनकम का। तो कोई फॉरन से अगर आपकी इनकम अच्छी, कोई रेमिटेंस आना था आपके पास फॉरन से, कोई पैसा अटका हुआ था आपका वहाँ पे, कोई आपका कंटेनर अटका हुआ था जिसकी वजह से आपकी पेमेंट रुकी पड़ी थी, कस्टम पे अटका हुआ था, कुछ भी ऐसा था, तो वो भी यहाँ पे सॉल्यूशन निकल कर आता, उसका भी हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। बाकी दोस्तों ओवरऑल जब हम बुध की बात करेंगे वीडियो की अगली, और सूर्य की बात करेंगे हमारी अगली वीडियो आएंगे दोस्तों, तो उस पर और क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। दोस्तों वृश्चिक लग्न वालों के लिए दोस्तों ऑलरेडी बहुत सुंदर टाइम चल रहा है, वो जब से मंगल आपके सिक्स हाउस में एरीज में लाइन कर रहा है, तो आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर, आपके राइवल दोस्तों वैसे भी शांत होकर बैठ चुके हैं, तो बहुत स्मूथ फेजिंग चल रही है आपकी, बहुत स्मूथ सेलिंग आपकी चल रही है, मुझे किसी तरीके से कोई दिक्कत लगती नहीं। लास्ट में एक बात हम लेकिन दोस्तों, जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्च में है, मेडिकल फेटर्निटी है, फार्मास्यूटिकल में आप किसी चीज पे रिसर्च में, किसी दवाई के इंजेक्शन का रिसर्च के अंदर है दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ा काम। एंड लास्ट बट नॉट देयर दोस्तों, क्योंकि मंगल आपकी टेक्निकल फील्ड को डिनोट करके चलते हैं, बुध की राशि आपकी माइंड को डिनोट करके चलते हैं, डेटा एनालिस्ट दोस्तों जो लोग हैं दोस्तों उनके लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी खबर, और दोस्तों साइंटिस्ट जो लोग हैं रोबोटिक्स के अंदर हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी हो गई। मतलब स्कॉर्पियो वृश्चिक मंगल राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, कोई शक नहीं। चलिए अब हम आते हैं 9 नंबर सेजिटेरियस धनु गुरु की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक ना किया और जल्दी से हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर सेजिटेरियस धनु। तो फाइनली 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 इनके लिए अच्छी खबर आ गई दोस्तों। अब तक क्या था, हमारी हर वीडियो हमने एक बात की थी कि इनका सिक्स हाउस ओवरलोडेड था, तो यहाँ पे सूर्य भी, गुरु भी, शुक्र भी, बुध भी, सारे दोस्तों यहीं पर घुसे पड़े थे। लेकिन अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पे शुक्र मूव कर जाएगा, यहाँ पे सेवंथ हाउस में आ जाएगा दोस्तों, केंद्र में सेल्फ हाउस में इंपैक्ट डालेगा दोस्तों। उसके दो दिन बाद सूर्य भी आ जाएगा और दोस्तों बुध भी यहाँ पे आ जाएगा, तो शुक्र का दोस्तों यहाँ पे आ जाना दोस्तों अच्छी ही खबर लेकर आता है, नेगेटिव खबर नहीं लेके आता। हालांकि दोस्तों यहाँ पे क्या कि शुक्र जो है सिक्स हाउस का ही लॉर्ड है, तो सिक्स का लॉर्ड दोस्तों जब भी सेवंथ हाउस में आता है मैरिज में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, या आपके पार्टनर को थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं दोस्तों इन टर्म्स ऑफ यू नो हेल्थ, तो वहाँ पे थोड़े से दोस्तों इनकम, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, कुछ ना कुछ दोस्तों आप में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, बट बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में गेंस का भी लॉर्ड है, तो गेंस का लॉर्ड जब भी सेवंथ में होगा तो आपके पार्टनर को दोस्तों गेंस होते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, उनकी इनकम बढ़ जाती है, आपकी कंपेटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों अपने पार्टनर की अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान में देखे चलना है, बिकॉज सिक्स हाउस बीमारी वो सेवंथ हाउस में बीमारी को साथ कैरी करके पार्टनर की लाइफ में डालेगा। और शुक्र क्योंकि सेल्फ हाउस में इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि गेंस का भी लॉर्ड बनकर चलता है दोस्तों, गेंस में तो वृद्धि करेगा ही करेगा, बट दोस्तों क्योंकि शुक्र यहाँ पे बीमारी का भी लॉर्ड है, तो जिनको डायबिटीज है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इनको यूरिन में इश्यूज है, इनको गॉल ब्लैडर में इश्यूज है, खासकर लेडीज की हम बात करते हैं यूट्रस में जिनको ओवरीज के अंदर इश्यूज है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ सकती है, बिकॉज सेवंथ हाउस में उन चीजों को डिनोट करके चलते हैं। सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी आपके पार्टनर थोड़ी बहुत डाउन हो सकती है, तो वहाँ पे अपना थोड़ा ध्यान में देखे चले, बट अदरवाइज हम लोग देख के चले ठीक है दोस्तों, टाइम बेटर है। मेन फर्क आपको दोस्तों पड़ेगा जब सूर्य और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो बेसिकली अकेला शुक्र यहाँ पे कोई खास फायदा नहीं करेगा। 14th को दोस्तों सूर्य और बुध और सूर्य का यहाँ पे आना वो आपकी किस्मत को चमका देगा, अच्छा चेंज है दोस्तों, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा चेंज है। चलिए अब हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर शनि की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट समेट सिटी से, और जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी के सभी लग्नों का जानने के लिए कि शुक्र का चेंज कैसा रहेगा सबके लिए, और जल्दी हम रेमेडीज भी बताएंगे। तो मिथुन राशि में शुक्र का आना, तो मिथुन राशि बनती है आपके सिक्स हाउस के अंदर, तो सिक्स और नाइन दोस्तों बुध के दो राशि है यहाँ पे कन्या राशि आती है, यहाँ पे मिथुन दोस्तों कन्या बनती है आपकी मूल त्रिकोण राशि नाइन्थ हाउस वाली, तो यहाँ पे शुक्र का जन होता है वो भी फिफ्थ का लॉर्ड बनते हैं, फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स हाउस में दोस्तों। अब ये दो तीन चीजें यहाँ पे, तो फिफ्थ हाउस हो गया आपके स्टमक का, सिक्स हाउस हो गया आपके गॉल ब्लैडर का, आपकी किडनी का, तो
खासकर लेडीज के साथ हम बात करें जिनको हार्मोनल इम्बेलेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा है, यूट्रस में इश्यूज है, पीरियड्स में इश्यूज है दोस्तों, उनको यहाँ पर दिक्कत होगी। जिनको यूरिनरी ट्रैक के अंदर इश्यूज है उनको यहाँ पर दिक्कत बढ़ सकती है। जिनको डायबिटीज है, बिकॉज पैनक्रियास का जैसे यही एरिया डिनोट करता है, शुक्र खांड को डिनोट करता है या यूरिन को डिनोट करता है दोस्तों, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी थोड़ी सी। उनके डायबिटीज थोड़ा सा अपसाइड डाउन हो सकती है, बीपी की दिक्कत से ज्यादा दोस्तों, बीपी की दिक्कत तो खैर नहीं पर हाँ डायबिटीज तो हमें रहेगी ज्यादा। जिनको किडनी में स्टोन है उनको अपनी सावधानी बरतनी है, वो दर्द दोस्तों वापस दोबारा आ सकती है। अगर आप उसकी मेडिसिन ले रहे थे या वो आपको लगता है यूरिन के साथ निकल जाएगी बाहर, तो वो हो सकता है चीज दोबारा रिएक्ट कर दे दोस्तों। फिफ्थ हाउस हो गया आपके स्टमक का, तो स्टमक इश्यूज मैंने बताई दी आपको। फिफ्थ हाउस हो गया आपके बच्चों का भी, तो बच्चों का लॉर्ड दोस्तों सिक्स हाउस में आ रहा है, तो बच्चों की हेल्थ में थोड़े इश्यूज क्रिएट करके चलेगा। हालांकि जो फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स हाउस में आ रहा है, आपकी 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 किस्मत को थोड़ा बढ़ा के चलता है, बिकॉज फिफ्थ का लॉर्ड अपने सेकंड हाउस में आ गए दोस्तों, चीजों को थोड़ा सा बेटर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, बट दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता, बिकॉज सिक्स हाउस में नेगेटिव खर्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव चेंज है, नॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो बहुत बड़ा कोई नेगेटिविटी नहीं, बट है दोस्तों पॉजिटिविटी है। जिस दिन बुध यहाँ पे लैंड कर जाएगा अपने ही सिक्स हाउस के अंदर, तो दोस्तों चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा। और सूर्य जो कि एट्थ का लॉर्ड बनता है दोस्तों, वो भी सिक्स हाउस में आकर तो विपरीत राजयोग की जागृति होगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ठीक ठाक चेंज है, अपने पेट का, अपने स्टमक का, अपने हार्मोन्स का, अपने बच्चों का ध्यान में रखें दोस्तों, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपके साथ, बाकी तो अपनी चीजें अच्छी ही चलते चले जा रही। चलिए अब कैप्रिकॉर्न मकर का भी आपने अच्छा बता दिया, अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, शनि की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों बिल्कुल ऑपोजिट दोस्तों, कैप्रिकॉर्न भी शनि की राशि, एक्वेरियस भी शनि की राशि। दोस्तों कैप्रिकॉर्न शनि की सिंह मतलब नॉर्मल राशि और एक्वेरियस दोस्तों मूल त्रिकोण राशि। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे बुध की जो दोस्तों राशि बनती है नंबर 3 दोस्तों, वो आती है फिफ्थ हाउस में दोस्तों, यानी और बुध यहाँ पे अभी फोर्थ हाउस में है केंद्र के अंदर दोस्तों, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, यानी कि केंद्र और त्रिकोण जो दोस्तों कन्या में बना था कि त्रिकोण और केंद्र दोस्तों सेम फोर्थ एंड फिफ्थ दोस्तों, ये बहुत बड़ा चेंज हो जाता है पेरेंट्स के लिए दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। फोर्थ हाउस दोस्तों मदर मदर के लिए दोस्तों बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। आपकी दोस्तों वेल्थ एक्यूमुलेट होती है, आपकी दोस्तों एजुकेशन, आपको दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइजेस मिलते हैं, आपको प्राइजेस मिलते हैं, आपको काफी कुछ होता है दोस्तों यहाँ पे। तो फिफ्थ हाउस हो गया लक, तो फोर्थ हाउस हो गया प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बढ़ने के चांस बन जाते हैं, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी आपकी, सेल हो जाती है प्रॉपर्टी यहाँ पे। नई गाड़ी की बात कर, नई कार परचेज करना, कोई एसेट आपने परचेज करना है तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर। और दोस्तों जब जिस दिन यहाँ पे सूर्य भी और बुध भी आ गए दोस्तों, सेवंथ लॉर्ड उनके सूर्य यहाँ पे आएगा तो लव मैरिज और बुध यहाँ पे स्टॉक मार्केट को, तो कुल मिलाकर दोस्तों इनकम इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, गेन बहुत बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटीज आपके नीचे आ जाएंगी दोस्तों, आपके एनपीएस खत्म हो जाएंगे। अगर आप बैंकिंग में या फाइनेंशियल काम में आपका पैसा ब्याज पर देकर कमाते हैं, या आपके सो कोई कमीशन इनकम आती है, स्टॉक मार्केट से आपकी इनकम आती है, एफडी से आपकी इनकम आती है, कुछ भी दोस्तों पेंशन वगैरह अगर आपकी आती तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट ही मिलने वाला है। उसके लास्ट में जो तो फोर्थ हाउस होगा आपके इमोशन, जो तो फिफ्थ हाउस होगा एंटरटेनमेंट, तो अब आपका दोस्तों गाने वाने सुनने का, डांस सीखने का, म्यूजिक का दोस्तों पेंटिंग का शौक बढ़ेगा आपको, जिससे आप बिजी भी रहेंगे और आपके उन्हें पॉजिटिविटी भी, एंटी डिप्रेशन करने का टाइम आपका स्टार्ट होगा। चलिए एक्वेरियस कुंभ का अच्छा होगा, मतलब ये कि अपनी एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देंगे ये बिंदास। चलिए अब हम आते हैं आज का लास्ट लगना 12 नंबर पाइसेस मीन, गुरु की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों बुध की यहाँ पे बात करें दोस्तों, इनकी तो किस्मत जाग चुकी ही थी जब से गुरु का चेंज हुआ दोस्तों। 10 जून को आप वीडियो देखेंगे, यानी कि 40 दिन पहले 1 मई के दिन दोस्तों, याद होगा आपको गुरु का चेंज हुआ था, हमारे दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो थे उसके ऊपर, उसमें हमने गुरु की बात की थी। और दोस्तों गुरु ही इनका लॉर्ड बनता है दोस्तों। अब अगर हम लोग देखें दोस्तों, मिथुन राशि बनती है इनकी फोर्थ हाउस केंद्र, दोस्तों शुक्र का यहाँ पे आ जाना, यानी कि थर्ड इन फोर्थ दोस्तों, बहुत सुंदर चेंज दोस्तों। केंद्र में आके हर ग्रह को मजबूती मिल जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों शुक्र का आना फोर्थ हाउस में दोस्तों, घर में आना दोस्तों, घर में प्लेजर बढ़ता है, सेलिब्रेशन के मौके मिलते हैं, बिकॉज शुक्र अच्छे काम में दोस्तों खर्चा करते हैं, शादी पार्टी किटी पार्टी दोस्तों बहुत फायदा मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे शुक्र का आपका 10th करियर हाउस में इम्पैक्ट डालना दोस्तों, जॉब के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है, लक्ष्मी जी का आगमन हो जाता है दोस्तों, जॉब में आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी या बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, सैलरी बढ़ जाती है, आपको बोनस मिल जाता है दोस्तों, कितनी बार तो आउट ऑफ द टर्न आपको बोनस मिलकर चले जाता है, तो इट्स अ बिग बिग चेंज दोस्तों। अब जिस दिन सूर्य भी यहाँ पे आ गया 2 दिन बाद, और दोस्तों बुध भी यहाँ पे आ जाएगा अपने साइड के अंदर दोस्तों, फिर तो कहना ही क्या। तो जिनको दोस्तों प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे थे, मदर साथ कंपेटिबिलिटी चल रही थी, आपकी दिक्कत चल रही थी, या फैमिली दोस्तों ग्रह क्लेश काइंड ऑफ अ थिंग था, वो दोस्तों यहाँ पे चेंज होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, फोर्थ हाउस इमोशन, शुक्र लव और रोमांस के लिए, तो मन में दोस्तों लव की बात करें, रोमांस की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें, तो उन सब में दोस्तों वृद्धि होगी। तो दोस्तों मीन लगन वालों के लिए धीरे धीरे सही दोस्तों, चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है, और 2023 की कड़वी यादें या 2022 की कड़वी यादें दोस्तों अब तक बहुत पीछे रह चुकी है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ पॉजिटिविटी ही नजर आ रही है। और दोस्तों लास्ट में कोई गुरु अभी भी दोस्तों आपके थर्ड हाउस में ही है,
नाइन्थ और इलेवेंथ हाउस पर इसका दोस्तों कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, तो ना तो भाग्य आपका साथ छोड़ेगा ना आपके बेनिफिट्स आपका साथ छोड़ेंगे, और ये वाला चेंज उन चीजों को बढ़ाते ही चलेगा पॉजिटिविटी को। चलिए फ्रेंड्स, छह लग्नों की बातें हो गई, कैसा रहेगा शुक्र का चेंज, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है, तो आप चाहे तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शुक्र की रेमेडीज बताते हैं हम, लक्ष्मी जी की आप आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, गिफ्ट्स एक्सचेंज कीजिए, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हो, जो भी हो आपको जैसे सूट करे, परफ्यूम डीओ भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, और फ्राइडे को मीठी खीर बना के छोटी लड़कियों को दीजिए, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मीठी कर्ड भी आप डोनेट कर सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि सूर्य यहाँ पे आ जाएगा शुक्र के साथ दो दिन बाद, अपनी गर्मी उस पर बरसा सकते हैं, तो बेसिकली दोस्तों जिनकी शुक्र की राशि है और या जिनके शुक्र की दशा भी चल रही है दोस्तों, और स्पेशली सारे के सारे वाले दो लोग तो स्पेशल तो सूर्य को जल देंगे, तो ताकि सूर्य की जो गर्मी वो शुक्र को ज्यादा ना परेशान करे और आपको उसके नेगेटिविटी नहीं, तो बाकी सब चीजें बढ़िया जैसा बताया प्रतिभा ने वो सबको फॉलो कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।